नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्थिति। यूपी की राजधानी लखनऊ के थानों में रक्षाबंधन मनाया गया है। आपको बता दें कि महिलाओं ने पुलिस कर्मियों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षा का वचन लिया है। साथ ही गुसाईगंज थाने में एकल अभियान के तहत एकल विद्यालय की आचार्यों द्वारा पुलिस कर्मियों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा गया। इस मौके पर एकल अभियान संचालक गुप्ता, राजकुमार वर्मा, बजरंग वर्मा, गरिमा आनंद और क्षेत्र की तमाम महिलाएं भी साथ ही मौजूद रहीं। एक तरफ जहां सभी महिलाओं ने पुलिस कर्मियों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की, तो वहीं दूसरी तरफ खुद की सुरक्षा के लिए भी वचन लिया है। आइए सुनते हैं पुलिस महिला के उप निरीक्षक नीरू यादव। बहनों को बताना चाह रही हूँ कि जो भी मिशन शक्ति योजना चल रही है उसमें सभी को बताना चाह रही हूँ कि जो भी किसी को भी प्रॉब्लम हो, महिला हो या कोई भी दिक्कत हो रही हो, 1090 112 और मेरा एक पर्सनल नंबर है, मैं सबको बताना चाह रही हूँ। किसी अगर कोई समस्या हो रही है, खुल के नहीं बता पा रही हैं, तो मुझे वो अपने आप बता सकती हैं। मिशन शक्ति योजना चल रही है, वो उनके बारे में मैंने जानकारी लोगों को बता दी है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, मेरा एक पर्सनल नंबर है, वो बताना चाह रही हूँ, नोट कर सकती हैं, 8533829592। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जैसे किसी को 8533829592 ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं बता पा रही है तो आप ये हमें अकेले में बता सकती हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जन संदेश टाइम्स पर।